नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बजट वेबिनार में हिस्सा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार की तरफ से किए जा रहे कामों के बारे में बताया। पीएम मोदी ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब कृषि सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को बल दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां अपने संबोधन में कहा कि कृषि क्षेत्र में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को साथ आना होगा। देश के छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने काफी फैसले लिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि छोटे किसानों को ताकत देने से ही कृषि क्षेत्र का भला होगा। पीएम मोदी ने कहा कि लगातार बढ़ते हुए कृषि उत्पादन के बीच 21वीं सदी में भारत को पोस्ट हार्वेस्ट क्रांति या फिर फूड प्रोसेसिंग क्रांति और वैल्यू एडिशन की आवश्यकता है। देश के लिए बहुत अच्छा होता अगर ये काम 2-3 दशक पहले ही कर लिया गया होता। आज हमें कृषि के हर सेक्टर में, हर खाद्यान्न, फल, सब्जी, मत्स्य सभी में प्रोसेसिंग पर विशेष ध्यान देना है। इसके लिए जरूरी है कि किसानों को अपने गांवों के पास ही स्टोरेज की आधुनिक सुविधा मिले। खेत से प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचने की व्यवस्था सुधारनी ही होगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खेती के साथ मत्स्य क्षेत्र में भी हमारा ध्यान है। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड के बाद रेडी टू ईट, रेडी टू कुक जैसे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है। पीएम मोदी ने कहा कि किसान रेल से छोटे किसानों को बड़ा लाभ हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि अब अलग अलग जिलों को जोड़ने के लिए क्लस्टर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लंबे वक्त से देश में होती आ रही है, लेकिन इसे व्यापार से आगे बढ़ाने पर जोर देना होगा जहां किसानों को अधिक फायदा हो सके। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए जो भी सुझाव आएंगे सरकार उन पर काम करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।